प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जीके जीएस टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन सेट नंबर 64। इस सीरीज को कंप्लीट कवर करने के बाद प्यारे बच्चों किसी भी एग्जाम में बैठ लेना, स्टैटिक जीके के वन डे एग्जाम में क्वेश्चन आपको हुबरू देखने को मिलेंगे। ये हमारा सेट नंबर 64 है। इससे पहले मैं आपको 63 सेट कंप्लीट करा चुका हूँ टॉप 50 क्वेश्चनों के। आज की क्लास में 50 क्वेश्चन के साथ लगभग 100 प्लस क्वेश्चन हम कवर करेंगे जो सभी आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये क्वेश्चन के साथ डिटेल से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको भी कवर करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या आपका आ गया है, थल सेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, जल सेना दिवस कब मनाया जाता है, वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है। ट्रिक के साथ याद कर लीजिएगा यदि आपको याद नहीं है। अब थल बोले तो जमीन, जमीन पर कितने घंटे की ड्यूटी करते हैं हमारे भारत के जवान, 15 घंटे की। ऐसे याद कर सकते हो, ट्रिक है ये, 15 घंटे की ड्यूटी नहीं करते, सिर्फ 15 घंटे जमीन पर ड्यूटी करते हैं भाई। इसके बाद वायु, वायु हवा में कितने घंटे की ड्यूटी कर सकते हैं, 15 की तो कर नहीं सकते, हवा में 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, मतलब 8 तारीख को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। जल में ड्यूटी करना थोड़ा हार्ड होता है तो जल में 4 घंटे ड्यूटी करते हैं, ऐसे याद कर सकते हो। थल सेना दिवस 15 तारीख को मनाया जाता है, जल सेना दिवस 4 तारीख को मनाया जाता है, वायु सेना दिवस 8 तारीख को मनाया जाता है। अब मैं आपको सन वो भी बता देता हूँ कि कौन कौन से महीने में मनाया जाता है। क्लियर है जी। जो आपका थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 15 जनवरी। क्यों मनाया जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जल सेना दिवस को कवर कर लेते हैं, ठीक है जी, और एक्स्ट्रा फैक्ट्स जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको भी कवर करते हैं। वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्लियर है जी। वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, इतना मैं आपको बता चुका हूँ। और जल सेना दिवस आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को। क्लियर है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब बात करते हैं सबसे पहले हम जो हमारा थल सेना दिवस है क्यों मनाया जाता है। भारत को ना बच्चों अपना पहला आर्मी चीफ 1949 को मिला था, 1949 को मिला था। क्लियर है जी। 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल के एम करियप्पा ने भारत के आखिरी ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल फ्रांसिस बूचर से भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ का पदभार संभाला था। तब से ये अपना 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। 2024 में कौन से नंबर वे का मनाया गया था बच्चों, 75वें नंबर का 2024 में मनाया गया था। यही बात करें भारत में कुल कितनी रेजिमेंट है बच्चों, टोटल 27 इन्फेंट्री रेजिमेंट है, ठीक है जी, इतना आपको पता होना जरूरी है बच्चों। वायुसेना दिवस की बात करें, वायुसेना दिवस कै तारीख को मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्लियर है। 2024 में वायुसेना का कौन सा दिवस मनाया गया बच्चों, 92वां, कौन से नंबर का, 92वां। वायुसेना की जो स्थापना हुई थी बच्चों कब हुई थी, गठन 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था, 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। क्लियर है जी, इतना आपको पता होना जरूरी है। यही बात करें जल सेना दिवस 4 दिसंबर 1971 में, थोड़ा मैं डिटेल बता देता हूँ, यहाँ से ऑपरेशन का नाम आपको याद रखना है, ऑपरेशन था ट्राइडेंट, ठीक है जी, ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के कराची नौसैनिक अड्डे पर हमला बोल दिया था और इस ऑपरेशन में सफलता हासिल की थी। 4 दिसंबर को हर साल नौसेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब इस क्वेश्चन के साथ पूरा विटामिन कवर कराऊंगा मैं आपको। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, राइट आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, विटामिन ई का रासायनिक नाम है ऑप्शन नंबर बी टोकोफेरोल, ऑप्शन नंबर बी टोकोफेरोल। विटामिन बी आपको कवर कराऊंगा 6 के 6 और इनकी सब क्लोज भी ट्रिक से याद कराऊंगा। एक नाम याद रखना, सभी विटामिन के रासायनिक नाम याद करने की जरूरत, रथ पर एक टोपी। रे से बनता है रेटिनोल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है बच्चों, रेटिनोल। थे से बनता है थायमिन। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन। ए से बनता है एस्कोर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कोर्बिक एसिड। कैसे बनता है, कैल्सिफेरोल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सिफेरोल। टी से बनता है टोकोफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरोल। फी से बनता है फिलीक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, फिलीक्विनोन। क्लियर है जी। रे से रेटिनोल, विटामिन ए का रासायनिक नाम, थे से थायमिन, विटामिन बी का रासायनिक नाम, ए से एस्कोर्बिक एसिड, विटामिन सी का रासायनिक नाम, कैसे कैल्सिफेरोल, विटामिन कैल्सिफेरोल किसका बच्चों, ए बी सी डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरोल,
टो से है आपका टोकोफेरोल, विटामिन ई का रासायनिक नाम, के से है, के का है फी से फिलीक्विनोल, क्लियर है जी। अब आप सब क्लोज कैसे याद करोगे, बी कैटेगरी की सब क्लोज, थी राई की निकोपेंट, याद रखना थी राई की निकोपेंट, ये रथ पर एक टोफी तो लगभग 99% स्टूडेंट को पता होता है, लेकिन जो मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ बी सब क्लोज बी वाली कवर करने की विटामिन, ये आपको कम स्टूडेंट को पता होगी। थी राई की निकोपेंट, पाई बायो ने फास्कर, पाई बायो ने फास्कर, सब क्लोज बी वाले सभी याद होंगे। थी से आपका विटामिन बी वन का नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है, बी वन का थायमिन, रास बनता है आपका रेबोफ्लोविन, बी टू का रासायनिक नाम, ठीक है। नीको से बनता है निको, निकोटी नेमाइड, विटामिन बी थ्री का नाम। पेंट से बनता है पेंटाथोनिक, विटामिन बी फाइव का नाम। पाई से बनता है पायरोडॉक्सिन, विटामिन बी सिक्स का नाम। बायो से बनता है आपका बायोटीन, विटामिन बी सेवन का नाम, ठीक है जी। और इसके फै से बनता है आपका फोलिक एसिड, विटामिन बी नाइन का नाम। से बनता है आपका सेनोक्लोबिन, विटामिन बी ट्वेल्व का नाम। पेन चेंज करके लिख देता हूँ जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखिएगा, थी थायमिन विटामिन बी वन, विटामिन बी टू राइबोफ्लोबिन, विटामिन बी थ्री, निको से बनता है बी थ्री से निकोटिनिमाइड, पेंट से बनता है विटामिन बी फाइव पेंटाथोनिक, पाई से बनता है पायरोडॉक्सिन, विटामिन बी सिक्स, बायोटीन विटामिन बी सेवन, बायोटीन होगा फोलिक अम्ल विटामिन बी नाइन और विटामिन बी ट्वेल्व। एक इसी का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, थीराई की निकोपेंट, पाई बायो ने पास कर, रतेक टोपी, ऐसे आप अच्छे से याद कर सकते हो, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं आपको बता देता हूँ, विटामिन बी का वन का नाम रेटिनोल, विटामिन बी टू थायमिन, विटामिन बी टू बी वन थायमिन, बी टू राइबोफ्लोबिन, बी फोर निकोटीन, फोलिक अम्ल मैं आपको ये बता चुका हूँ, लेकिन स्त्रोत का पता चलना चाहिए, कमी से होने वाले रोग, पांच इन रोग याद रख लेना, यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। सबसे पहले विटामिन डी का कमी से होने वाला रोग रिकेटस होता है बच्चों, विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग प्रजनन शक्ति में कमी होता है। अब हम कुछ विटामिन, इंपोर्टेंट विटामिन के स्रोत और उनकी कमी से होने वाले रोग कवर करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बच्चों रिकेटस, रिकेटस जो बीमारी होती है किस विटामिन की कमी से होती है, विटामिन डी की कमी से होती है। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा, स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना। बात करें विटामिन रतौंधी जो होती है विटामिन ए की कमी से होती है, और इसके बाद बोनापन भी आपका विटामिन ए की कमी से होता है। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, बी वन की कमी से होता है। त्वचा का सूखापन, डायरिया, ये आपकी विटामिन बी फोर की कमी से होता है, क्लियर है जी। मेरुदंड का कमजोर होना, ये आपका बी ट्वेल्व की कमी से होता है, ठीक है जी। प्रजनन शक्ति में कमी आपका विटामिन ई की कमी से होता है। बात करें विटामिन ए आपका अंडे दूध लीवर ऑयल में पाया जाता है भरपूर मात्रा में। विटामिन बी वन चावल की भूसी गेहूं यीस्ट दूध सब्जी में पाया जाता है। विटामिन डी जो आपका है सूर्य का प्रकाश दूध अंडा मछली के तेल में पाया जाता है। विटामिन सी खट्टे फल नींबू जैसे हुए हरी सब्जी में पाया जाता है, क्लियर है जी। इतना आपको पता होना जरूरी था, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मराठा, पेन चेंज कर लेते हैं, मराठा प्रशासन के प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पेशवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, बोरो बुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर फोर का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जावा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अति महत्वपूर्ण, कुछ प्रश्न हम करेंगे कवर मंदिरों के, लगभग टॉप 10 कवर कराऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ज़्यादा हम कवर नहीं करने के। सबसे पहले आपको बताना चाहिए खुजराहो के मंदिर कहाँ है, ये आपके मध्य प्रदेश में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर आपका उड़ीसा में है। लिंगराज मंदिर आपका उड़ीसा में है। मीनाक्षी मंदिर आपका तमिलनाडु में है। रामेश्वर मंदिर आपका तमिलनाडु में है। सबरीमाला मंदिर आपका केरल में है। सांची के स्तूप आपके कहाँ पर हैं बच्चों, ये आपके मध्य प्रदेश में है। कामखा मंदिर आपका कहाँ है, असम में, अति महत्वपूर्ण है। कांचीपुरम के मंदिर तमिलनाडु में है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में है। काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद आपका स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है बच्चों, आपका ये पंजाब में है। कामखा मंदिर असम में है। कांचीपुरम तमिलनाडु। इसके बाद अक्षरधाम मंदिर दिल्ली, अमरकंटक मंदिर छत्तीसगढ़, अगरबड़ी मंदिर झारखंड, बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड, बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु, द्वारकाधीश मंदिर गुजरात, गंगोत्री मंदिर उत्तराखंड, क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, भारत के किस राज्य को अन्न का भंडार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर फाइव का आपका राइट आंसर होगा किसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी पंजाब। क्वेश्चन नंबर सिक्स, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी।
क्वेश्चन नंबर सिक्स का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड में हुई थी। क्वेश्चन नंबर सेवन, बरौनी ताप बिजली घर किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर सेवन का आपका राइट आंसर होगा बिहार, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आठ, अंग्रेजी नाटक इज यू लाइक इट के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर आठ का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम शेक्सपियर। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जी आपका ये। क्वेश्चन नंबर नौ, भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दस, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर दस का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ग्यारह, सिख गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड किस मुगल बादशाह ने दिया था? क्वेश्चन नंबर ग्यारह का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब ने दिया था। क्वेश्चन नंबर बारह, भारत को गणतंत्र कब घोषित किया गया? क्वेश्चन नंबर बारह का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर तेरह, भारतीय नागरिकता को किस देश के संविधान से प्राप्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर तेरह का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड के संविधान से। क्वेश्चन नंबर चौदह, हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? क्वेश्चन नंबर चौदह का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चिकित्सा के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर पंद्रह, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर पंद्रह का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। क्वेश्चन नंबर सोलह, जापान ने रूस को कब पराजित किया था? क्वेश्चन नंबर सोलह का राइट आंसर 1905, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर सत्रह, राष्ट्रपति शासन किसकी रिपोर्ट पर किसी राज्य में लागू किया जाता है? क्वेश्चन नंबर सत्रह का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर अठारह, क्रिकेट के जन्मदाता किसे कहा जाता है क्रिकेट का? क्वेश्चन नंबर अट्ठारह का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड को। क्वेश्चन नंबर उन्नीस, हिंदी के कवि रस खान किस धारा के कवि थे? क्वेश्चन नंबर उन्नीस का राइट आंसर होगा जो आपका ऑप्शन नंबर बी, निर्गुण धारा के। क्वेश्चन नंबर बीस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? क्वेश्चन नंबर बीस का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नीदरलैंड में। क्वेश्चन नंबर इक्कीस, पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा, विष्णु शर्मा। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मुंबई बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख अंग कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, कमेंट बॉक्स में इसका आप रिप्लाई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, आग की खोज किस काल में हुई थी? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पुरापाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, नेपोलियन की पराजय किस युद्ध में हुई थी? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाटरलू का युद्ध था। क्वेश्चन नंबर 27, यूरोप में राष्ट्रवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है? 27 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नेपोलियन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 29, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 62 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट से। क्वेश्चन नंबर 31, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाती है? विश्व जनसंख्या मनाया जाता है, आज ही विश्व जनसंख्या दिवस है आपका। क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 11 जुलाई, जैसे ये लिखा हुआ है ना बच्चों, मनाई जाती है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, मनाया जाता है 11 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 32, भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु का। कर्नाटक का क्या है बच्चों, यस गान है आपका, ठीक है जी। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, द वेल्स ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एडम स्मिथ। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हॉकी। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के किस राज्य में एक प्रकार की सिविल कानून लागू है? क्वेश्चन नंबर
34 का राइट आंसर, 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी गोवा। क्वेश्चन नंबर 37, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? 37 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब। औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? दौलताबाद। जहांगीर का मकबरा कहाँ है बच्चों? जहांगीरा लोनी किला लाहौर। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली। शाहजहां का मकबरा कहाँ है बच्चों? शाहजहां का आगरा। क्वेश्चन नंबर 38, मूल अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भाग नंबर 3। भाग नंबर 1 में भारत राज्य भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में वर्णन है। भाग नंबर 2 में नागरिकता है। भाग नंबर 3 में मूलिक अधिकार है। भाग नंबर 4 में नीति निर्देश तत्व है। भाग नंबर 4 ए में भाग नंबर 4 ए में मूलिक कर्तव्य है। भाग नंबर 5 में संघ है। भाग नंबर 6 में सरकार है राज्य वाली। क्वेश्चन नंबर 39, जीव विज्ञान का पिता किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी अरस्तु को। क्वेश्चन नंबर 40, इतिहास का पिता किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 40 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों हेरोडोटस ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, भगत सिंह ने कब असेंबली हॉल में बम फेंका था? क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, मुस्लिम लीग ने पहली बार कब पाकिस्तान के निर्माण की मांग की थी? क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर होगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी 1940। क्वेश्चन नंबर 43, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पैंथिक लॉरेंस। क्वेश्चन नंबर 44, आज़ादी के पूर्व प्रथम संविधान स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1930। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम का को कब अपनाया गया था? 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1952। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? 46 का राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 47, किस देश को वनों का देश कहा जाता है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कांगो। क्वेश्चन नंबर 48, ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर होगा बच्चों क्या कहा जाता है ज्वालामुखी के मुख को? क्रेटर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से भारत में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ताप्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उनके मुहाने को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एस्चुरी, उनको बोला जाता है। ये टॉप 50 स्टेटिक जीके जीएस की क्लास हमारी सेट नंबर 64 में समाप्त होते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।